और बिलासपुर राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने कहा कि मोदी सरकार पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद है। मोदी सरकार ने स्वर्णों को 10% आरक्षण देने सहित सबका साथ सबका विकास के नारे को भी पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 4 साल से ज्यादा जब हम चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस बीच में हमारी सरकार ने जो काम किया है उसे लेकर हम जनता के बीच भी जाने वाले हैं। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज तक उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और विपक्ष जिस भ्रष्टाचार के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, मैं राफेल की बात कर रही हूँ, उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय हो चुके हैं। सदन में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस विषय को बहुत गहराई के साथ में हर प्रश्नों का जवाब विपक्ष के नेता का दिया है, लेकिन उसके बाद भी बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है और मेरा मानना है कि ये राजनीति के तहत है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही कि हमने 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो आरक्षण दिया है और ये आरक्षण हमने 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर दिया है। ये नफवाजी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिसमें 50% का विषय आया हुआ था, देश की जनता को विपक्ष ने बार बार गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन हमने सदन में 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर इसे पारित किया, लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में पारित किया और ये देश की मांग थी कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग ऐसे जिन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता है, उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना।